Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video we are going to discuss about GPCR, जो कि एक type of receptor है जिसे हम G protein coupled receptor भी कहते हैं. So सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ important points discuss करेंगे, then हम इसका जो mode of action है उसे जो है discuss करेंगे. So let's start. So basically अगर हम बात करें तो जो GPCR है वो एक cell surface receptor है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो रिसेप्टर है वो सेल की सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है, जीपीसीआर हैज सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, यानी कि इसके पास जो है सेवन डोमेन होते हैं जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्हें हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन. इसे हम सरपेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं बिकॉज ये सेल की सरफेस को जो है सेवन टाइम क्रॉस करता है. ये जो है सिग्नल जब ट्रांसफ़र करता है तो करता है बाय ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एक प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है. जी प्रोटीन ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, ये कॉमन सी बात है कि जब सिग्नल किसी सोर्स से आता है तो वो अंदर से बाहर जो है बेसिकली जो है ट्रांसफ़र होता है, राइट, या हम कह सकते हैं बाहर से अंदर, लेकिन इस कंडीशन में जो सिग्नल है वो बाहर से सेल के अंदर ही ट्रांसफ़र होगा. नेक्स्ट आता है, इट बिलोंग्स टू द लार्जर ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज GTPase, यानी कि ये जो है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम है उससे बिलोंग करता है जिसे हम GTPase कहते हैं. जी प्रोटीन इज़ ए हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन, यानी कि ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें कि तीन डिफरेंट यूनिट जो है प्रेजेंट होती हैं. दीज आर एल्फा बीटा एंड गामा, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होती है, इसीलिए हम इसे हम कहते हैं हेट्रोट्राइमेरिक. आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि जब जी प्रोटीन जब किसी भी सेल की सरफेस पर एक्टिव रहती है तब क्या होता है और इनएक्टिव जब कंडीशन में रहेगी तब क्या होगा. तो अगर हम बात करें जब जी प्रोटीन जो है एक्टिव कंडीशन में रहती है तो GDP से GTP बनता है. जब GTP से GDP में कन्वर्जन होगा तो जब GDP की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब एक्टिव कंडीशन होगी तो GTP बनेगा जो कि अल्फा के साथ बाइंड रहेगा, एंड देन सेकंड बनता है बीटा जो कि गामा के साथ बाइंड रहता है. ये बात हो रही है जब हम इसकी एक्टिवनेस की बात करते हैं. नेक्स्ट आता है इनएक्टिव, यानी कि जब ऑफ की कंडीशन में जब ये जी प्रोटीन रहती है किसी सेल सरफेस पे तो तब क्या होगा, तब बेसिकली GTP जो है यानी कि ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट वो GDP यानी कि ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्जन उसका होता है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पर किसी भी तरीके का जो ये यूनिट्स हैं वो कम्बाइन नहीं होती, यानी कि इसी फॉर्म में रहती है जिस फॉर्म में ये पहले प्रेजेंट थी, इनका ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं होता है. अब हम एक कॉमन तरीके से इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. यहाँ पर ये एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि जी प्रोटीन है, इसको हम जी प्रोटीन लिख देते हैं. इट हैज़ सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, यानी कि इसने सेवन टाइम जो है सेल को क्रॉस किया है, राइट. अब आप देख सकते हैं ये कंडीशन हम बात कर रहे हैं ऑफ की, जब जी प्रोटीन जो है ऑफ की कंडीशन में यहाँ पर प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो GDP होगा, दिस इज GDP. GDP से इस कंडीशन में अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों ही यूनिट आप देख सकते हैं बाइंड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है, राइट. जैसे ही ये ऑन की कंडीशन में होती है, यानी कि जैसे ही ये जी प्रोटीन जब एक्टिव होती है तो जो GTP है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो GDP है वो GTP में कन्वर्ट होगा, एंड जिसके पास ये अल्फा यूनिट जो है प्रेजेंट होगी प्लस यहाँ पर बीटा एंड जो गामा यूनिट है उनका जो है सेपरेशन देखने को मिलता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब GDP जब प्रेजेंट था तो ये तीनों यूनिट कम्बाइंड थी, और जब GTP बना यहाँ पर ब्रेकडाउन होके तो आप देख सकते हैं कि GTP के साथ सिर्फ अल्फा यूनिट बाइंड है और बीटा एंड जो गामा है वो सेपरेट हो चुके हैं. तो जैसे ही ये सेपरेशन होता है तो एडिनाइल जो साइक्लेज है उस एंजाइम को यहाँ पर सिग्नल मिलता है कि उसको क्या करना है, एक्टिवेट होना है. एडिनाइल साइक्लेज जैसे ही एक्टिवेट यहाँ पर होता है देन ये साइक्लिक AMP यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को है जो है सिग्नल देता है
मतलब इस प्रोसेस को आगे स्टार्ट करने के लिए, राइट। सो ये जो है एक ब्रीफ आइडिया था अबाउट द GPCR, इसकी जो कंप्लीट सिग्नलिंग है वो किस तरीके से न्यूक्लियस तक होती है और कैसे जो है ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है वो एक्टिवेट होते हैं, एंड देन mRNA का सिंथेसिस होने के बाद कैसे वो प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं और कौन सा सिग्नल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको हम करेंगे अगली वीडियो में डिस्कस। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।